गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संधि चैप्टर में से व्यंजन संधि पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा था और समझा था, आज हम लोग व्यंजन संधि को समझेंगे। व्यंजन से आप समझते हैं क से लेकर ज्ञ तक के जो वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण हैं, जिनको हम स्वर की सहायता से ही उच्चारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब हम व्यंजन वर्णों में से अ निकाल देंगे, स्वर अर्थात मात्रा निकाल देंगे, तो वो हमारा केवल व्यंजन वर्ण बचता है। व्यंजन वर्ण की पहचान क्या है? जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, अंडरस्टूड? जब हलंत लग जाता है तो हमारा व्यंजन वर्ण होता है। इसी व्यंजन वर्णों से जब ये व्यंजन वर्ण किसी दूसरे वर्ण के साथ मिलते हैं तब वो जो संधि होती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि जब व्यंजन वर्ण के आने पर उसके सामने कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? व्यंजन का परिवर्तन हो जाता है। स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए तो उनका क्या हो जाता है? उस वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दिक प्लस अंबर, तो यहां पर क्या है? दिक का व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है, अंडरस्टूड? तो दिक का व्यंजन है और इसके सामने हमारा अ स्वर आया है, तो जब का व्यंजन में आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा ग बन जाएगा। इसका नियम होता है कि अ स्वर के आने पर प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग का, आपने वर्ग पढ़े हैं ना, देखिए आपने वर्ग पढ़े हैं, व्यंजन वर्णों के वर्ग हैं, क से लेकर मात्र के जो 25 वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं वो पांच वर्गों में विभाजित है, अंडरस्टूड? इसीलिए कहते हैं सारा पिछला लर्न होना चाहिए। पांच वर्ग होते हैं, इसमें क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग और अंतिम पावर। ये पांच वर्ग आपने पढ़े हैं जब वर्ण विचार पढ़ा था। तो व्यंजन संधि का जो पहला रूल है, पहला नियम है, वो क्या है कि जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और उसके सामने कोई भी स्वर आएगा तो वो जो अंतिम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे अथवा पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे क वर्ण है, क ख ग घ ङ। अभी इसके देखिए आप, तीसरा वर्ण क्या है हमारा? ग। पांचवा क्या है? अंग। जो हमने दिगंबर एग्जाम्पल दिया तो दिस प्लस अंबर, तो का व्यंजन है, का के सामने स्वर बन गया है का, तो ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? का का ग बन जाएगा। क्या बनेगा? ग। तो शब्द क्या बना? दिगंबर। क्या बना? दिगंबर। ये व्यंजन संधि का पहला रूल है। अब इसी जगह में आप दूसरा भी वर्ण इस तरीके लेंगे, का वर्णों के सामने अगर आ आता है, स्वर आता है, तो वो अपने ही वर्णों के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसी तरीके आप देखिए उदाहरण सत प्लस जन, तो सत है तब वर्ग है, उसके सामने हमारा व्यंजन वर्ण आया क्या? जल। तो हमारा एक
यदि माँ है, माँ के सामने कोई भी व्यंजन वर्ण है तो माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वार। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। जैसे सम प्लस कल, तो माँ है व्यंजन वर्ण, उसके सामने भी व्यंजन वर्ण है तो माँ हमारा किस में बदल जाएगा? अनुस्वार। तो क्या शब्द बन जाएगा? ये संकल्प। अनुस्वार बनाना ये इसमें चला संकल्प। इसी तरीके आप देखिए, जब हमारा एक संपूर्ण मतलब कोई भी माँ के आगे कोई भी व्यंजन पाठ आएगा तो माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम प्लस पूर्ण, यहाँ पर भी व्यंजन है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? संपूर्ण। क्लियर। इसी तरीके एक और नियम है, के बाद